जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम बैक टू द चैनल जे एम डी आई अकेडमी। हमारे साथ हैं सुजल पाटिल। यस सर। सुजल, नेम सजेस्ट योर, आई गेस योर फ्रॉम महाराष्ट्र। यस सर, महाराष्ट्र कोल्हापुर। महाराष्ट्र कोल्हापुर। तो आई गेस योर ब्रदर स्टडिंग हियर। यस यस। तो दोनों ने इकट्ठे डिसीजन लिया था यहाँ आने का, या पहले उसे पता लगा या पहले आपको पता लगा? नहीं नहीं सर, क्या सीन हुआ था कि दोनों की ट्वेल्थ होगी, फर्स्ट से ट्वेल्थ तक हम दोनों एक साथ थे। ओके। और फर्स्ट से ट्वेल्थ तक। तो उसके बाद वो सर्च करता था मर्चेंट नेवी का और मैं सर्च करता था इंजीनियरिंग का। ओके। ट्वेल्थ तो उसने मुझे बताया कि मैंने उसको बताया इंजीनियरिंग का ये शायद एक परसेंटेज है, अभी इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं है। तो बोला कि उसने मुझे बताया मर्चेंट नेवी का, तो मुझे सही लगा। हम फैमिली से साथ बात की दोनों ने, तो फैमिली एक्सेप्ट कर दी दोनों को और उसके बाद इधर आने का प्लान कर दिया। तो उस तो अकेडमी किसने ढूंढा था? उसने। हाँ, उसने ढूंढा था, मैं भी ढूंढता था। ओके। तो फ्रेंड्स सर वीडियो सेंड करते थे और वो देख के कॉन्टेक्ट कर दिया उर्मिला उनको और उसके बाद इधर आ गए। तो मेरे साथ ग्रैंडपा आए थे और दोनों हम एक साथ आए थे। ओके। तो अभी पढ़ रहे इधर। इधर पढ़ रहे। तो कितना टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट फिर दोनों को 6 से 7 महीने हो गए होंगे इधर पढ़ते हुए, राइट? तो क्या लगता है कि जो आपके भाई ने बताया था वाज दैट अ करेक्ट डिसीजन या इंजीनियरिंग वाज करेक्ट डिसीजन? सर, करेक्ट डिसीजन। करेक्ट डिसीजन। और अकेडमी जैसे आप दोनों ने मिलकर ढूंढा, आप यहाँ आए, तो क्या लगा कि एक तो पहला 12वीं के बाद करेक्ट डिसीजन कि हमें मर्चेंट नेवी करना था, आपको इंजीनियरिंग करना था, बट समहाउ आपके भाई ने बताया कि यार ये भी एक फील्ड है, लेट्स ट्राई, लेट्स गो एंड हैव आवर स्किल्स कितना है। एंड उसके बाद जब अकेडमी आए, तो दोनों भाई अकेडमी आए, तो क्या करेक्ट डिसीजन था यहाँ आना? हाँ सर, करेक्ट डिसीजन था। दोनों मिलकर स्टडी करते हैं, अभी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गया है इधर आने के बाद, थोड़ा एकेडमिक सब्जेक्ट बढ़ गया क्योंकि ट्वेल्थ में हम थोड़े वीक थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि क्लास बंक वगैरह करते थे। तो इधर आने के बाद पूरा रूल वगैरह रूल के अंडर हो गए। एग्जैक्टली, आपको यहाँ बंक करने का मौका भी नहीं मिला होगा। नहीं मिला। अगर मौका कभी तुमने बंक कर भी लिया होगा तो घर पे फोन चला गया होगा, राइट? तो ऐसा हुआ कभी कि आप क्लास नहीं और घर पे फोन गया? हाँ, गया था सर। तो क्या रिएक्शन था फिर? तो घर वाले बोल रहे थे कि उधर जाके भी ऐसा ही कर रहा क्या कॉलेज ऐसा। तो नहीं बोला, एक बार वैसा कर दिया था तो उसके बाद नहीं बंक नहीं किया, तो अभी चालू है ठीक ठाक सर। और ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको लगे कि यार 6 महीने में कि हाँ यार इधर स्ट्रिक्टनेस बहुत है यार, ऐसा? हाँ, कुछ स्ट्रिक्टनेस तो बहुत है सर, स्ट्रिक्टनेस चाहिए सर, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस रहता तब स्टडी होती है सर, थोड़ा वो भी चाहिए सर, डिसिप्लिन होता। ओके। तो इतना टाइम हो गया अकेडमी में, तो आपको क्या लगता है कि कहीं हमें इम्प्रूव करना चाहिए एज एन अकेडमी, कहीं अगर लगता है आपको कि जे एम डी आई को कहीं इम्प्रूव करना चाहिए? सर, इम्प्रूवमेंट ऐसा सर अभी तक मतलब ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि सब सर सब करेक्ट है सर, राइट है सर। ओके, दैट्स, थैंक यू सो मच। पहले सर तो ये बात थी कि हमें तो पहले हमने सोचा था इंडियन नेवी में जाना, क्योंकि हम उधर है ना कोल्हापुर में। okay. तो हमारे उधर छत्रपति शिवाजी महाराज पता है सर? जी हाँ सर, वो मतलब वो है फादर ऑफ इंडियन नेवी सर। तो हमें ड्रीम था क्योंकि हम उनके है ना रिलेटिव, तो सोचा कि मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी से बड़ी है सर, क्योंकि अभी मर्चेंट नेवी में घूमने भी मिलता है सब, डॉलर्स में कमाते हैं सर। तो एक तरफ डॉलर्स भी हैं लेकिन उतना ही चैलेंजिंग और रिस्की लाइफ भी है, राइट? तो वो बैलेंस रखना तो अभी पड़ेगा अपने को, बिकॉज ऑन बोर्ड आप 22 लोग होंगे, पूरा मेटल का शेप और फिर बीच समंदर, तो मेंटल चैलेंज लेने के लिए तैयार होना? यस सर, बिल्कुल अडॉप्टिव हो नेचर में कि हाँ यार अगर वहाँ ऑन बोर्ड अगर रहना पड़ा ऐसे लोगों के बीच जहाँ आप ही इंडियन हैं बाकी सारे फॉरेनर्स हुए, तो रह लोगे ना? बेस्ट रेली को सुन, जो होगा देखा जाएगा। तो एटीट्यूड होना चाहिए लेकिन एक अडॉप्टिव नेचर भी होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन आए आई विल हैंडल इट इन अ पॉजिटिव वे, राइट? तो जो लोग व्यूअर्स, जो आप तो खैर दोनों भाई थे, एक का इंजीनियरिंग और एक को मर्चेंट नेवी जाना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि 12 के बाद क्या किया जाए, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? जैसे आप खुद इंजीनियरिंग करना चाहते थे बट यू हॉप डाउन टू मर्चेंट नेवी, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन्हें? सर, फर्स्टली मेरा 11th था PCMCS कंप्यूटर साइंस में। ओके। तो मैं IT फील्ड में मुझे इंटरेस्ट था, जावा पाइथन कंप्यूटर इसमें, तो मैंने वो सर्च कर दिया था इंजीनियरिंग का, वो AI वगैरह सर्च कर दिया था। तो उसमें मैंने देखा कि देखिए सर, 10 जन का काम एक AI करता है सर, ChatGPT। तो अभी तो फील्ड वो कम हो रहे हैं, अभी चल रहा है बट अभी इसके आगे तो 5-6 मतलब ईयर के बाद कम हो जाएगा सर। तो मैंने सोचा कि नहीं सर, अभी रेटिंग नहीं उसकी तो 0.003 है ऐसा कुछ तो है इंजीनियरिंग का सिलेक्टेड रेट,
तो वो मैंने सर्च किया सब, तो आप काफ़ी रिसर्च करके ही इस ओपन किया, बहुत रिसर्च। तो आप, मैं वही चाहता हूँ कि अगर कोई, मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहा। एक साल गया ना इसमें, अच्छा, तो हमें मतलब पूरा रिसर्च करके हम इसमें आए सर। ओके, इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो उनको कभी ऐसा ना लगे कि मैं इसको बढ़ावा दे रहा हूँ और दूसरी फील्ड को नीचे कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जिसे जो करना है वो बिल्कुल करे, बिल्कुल फ्रीडम है, लेकिन हर चीज के आगे का सोच के करें। जैसे आपने बोला कि अब चैट जीपीटी आ गया, क्योंकि 10 लोगों का काम वो अकेले कर रहा है, तो ऐसे आने वाले टाइम पे अगर एआई आ गया तो वो कभी किसी की नौकरी खा जाए, कहीं से ले जाएगा। तो आपने रिसर्च करी हर चीज को देख के, अब तब आप इधर आए, राइट? एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या एडवाइस दोगे उन्हें? वही सर, देखिए अभी तो इंजीनियरिंग सब जो फ्लो है सभी उधर जा रहे हैं, हम उधर नहीं जाएंगे सर, थोड़ा चेंज भी करना चाहिए। ओके, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना अपने को, वी हैव टू स्टैंड अलोन। यस सर, राइट? यस सर। और देखिए मर्चेंट में क्या होता है सर, मतलब हम जल्दी फाइनेंशियल स्टेबल भी होते हैं ना जी, एग्जैक्टली, वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, एनआरआई स्टेटस मिलेगा, घूमने को मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जैसा मैंने बोला कि मेहनत भी बहुत है, मतलब एक तरफ अगर पर्क्स अगर हाई है किसी चीज के तो दूसरी तरफ उतनी ही मेहनत भी है, राइट? सो आई होप दैट आप यूर वेल वर्स्ड, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।